देखा तो समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी टीचर्स तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अब आज आप देख रहे हैं ये स्थिति आ गई कि सारे प्रोफेशंस के पीछे या उनके बहाने कि अपनी रोजी रोटी हो जाए, अपने बच्चे पाले जाएं, बस अपना ही कल्याण हो जाए, सुख शांति, किसके पास कितनी बड़ी कोठियां हैं, किसके पास कितनी कारों की कलेक्शंस हैं, किसकी पर्सनल एरोप्लेन्स हैं, उन सबको कोई याद नहीं रखेगा। किसने समाज को कितना दिया उसे याद रखते हैं, किसने दुनिया से समाज से कितना ले रखा है, कितना इकट्ठा कर रखा है, उसे अमीर नहीं कहा जाता। कौन ज्यादा देने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि इतनी नेकी करता था व्यक्ति के दरिया में डालने लायक थी। फिर धीरे धीरे इस कहावत का थोड़ा सा रूप बदल गया, फिर कहने लगे नेकी कर कुएं में डाल, क्योंकि नेकी भी कम हो गई और करने की कैपेसिटी भी कम हो गई, तो कुएं लायक करते थे, कुएं में डाल देते, और कोई कहता क्या किया तो उसे दिखा भी देते थे, कुएं में पड़ी रहती थी ना चीज। फिर थोड़ी सी और परिभाषा बदल गई, जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, स्पिरिचुअल अवेयरनेस कम होती गई, इतना सा करके इतना दिखाते गए, फिर परिभाषा बदल के हो गई नेकी कर खड्डे में डाल, खड्डा खोदते थे उसमें डाल देते थे। फिर उसके बाद और परिभाषा निकल गई नेकी कर पॉकेट में डाल, तो अपने पॉकेट में डालने लायक ही नेकी करते अपने ही बाल बच्चों के ऊपर, और उनको भी बताते रहते तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, पता लगे बच्चे कितने हैं, ओनली वन या टू, बस पहले 10-12-15 बच्चे होते थे, खेतों में काम कर करके, मेहनत कर करके भी बच्चों को स्टैंड करने की कोशिश की जाती थी, और अब बच्चे में वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाई देती पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसको दिखाई देता है घर के एसी रूम, एसी बेडरूम में है, एसी गाड़ी में जाते हैं, एसी ऑफिस में बैठते हैं, वहां कुछ बातें करते हैं, कुछ सिग्नेचर करते हैं, वापिस आ जाते हैं, और वो ये नहीं कह पाते कि हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि कुछ खास मर नहीं रहे हैं, इसलिए उनकी डिमांड्स की लिस्ट बहुत बड़ी होती है बच्चों की, और वो अगर वो पूरी नहीं हो तो वो गिनतियां कराते हैं, उसके पापा ने ये किया, उसके पापा ने ये किया, और शायद इसी होड़ में आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि उसके फादर ने इतने महंगे महंगे डिजिटल टॉयज उसको लेकर दे दिए, तो उसके बाप को भी लेकर देने पड़ेंगे, और फिर कहते हैं आजकल के बच्चे ऐसे, आजकल के बच्चे ऐसे। बच्चों को इतनी सुविधाएं, इतनी डिमांड्स पूरी करना, ये सब तो पेरेंट्स ही अपने नाम मान शान के लिए भी प्रोवाइड करवा रहे हैं।